Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 9 exercise 9.3 question number 16. This is last question of this exercise for class 9. Question which is given in figure. Ye figure already aap NCERT book mein given hai. Okay, area of DCR, area of DCR yani ye wali triangle ki jo area hai wo ये वाली एरिया जो है वो इक्वल है डीपीसी यानी इस वाले ट्राइंगल की एरिया से इक्वल है. और दूसरा दिया हुआ है कि बी डी पी ये वाली एरिया ए आर सी ये बड़े वाली ट्राइंगल की एरिया के बराबर. शो दैट हमें शो करना है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो ए बी सी डी और सी डी पी आर आर ट्रेपीजियम, ये दोनों ट्रेपीजियम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे तो आसानी से प्रूफ कर देंगे कि ये दो ट्राइंगल ऑलरेडी गिवेन है ना, डी आर सी ये और डी पी सी ये दोनों सेम बेस पे है और सेम पैरलर, तो दोनों की एरिया सेम है और सेम बेस पे है. इससे हम कह सकते हैं कि दोनों सेम पैरलर के बिटवीन है, यानी कि डी सी पैरलर टू आर पी, देयर फोर डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम. ये मैं फर्स्ट में इसे कर लेती हूँ. ओके, हमारा गिवेन पार्ट क्या है, गिवेन विच इज एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ पी डी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी. ओके, ये हमें गिवेन है, प्रूफ करना है. फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ, फर्स्ट मैंने इसे माना है. ओके, सी डी पी आर, मैं यहाँ फर्स्ट ना लिख करके पी आर एंड ए बी सी डी आर ट्रेपेजियम. इसे पहले इसलिए लिखा है कि मैं पहले इसे प्रूफ करने जा रही हूँ, दैट्स व्हाई. तो एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी. ओके, ये इसे इक्वेशन वन भी मैं बना देती हूँ. और यहाँ पे हम रीजन क्या डालेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम एरिया. दोनों जो है वो किस बेस पे है, तो बेस वी कैन से दैट कि डीसी, सेम बेस यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ डीसी बेस पे है और दोनों की एरिया सेम है. देयरफॉर डीसी पैरेलल टू आरपी, हेंस डीसी पीआर इज अ ट्रेपेजियम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल ए सी डी, दूसरा हमें दिया हुआ है कि बी डी पी और ए सी आर ये दोनों एरिया इक्वल है. नाउ एरिया ऑफ बी डी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ये हमें गिवन है. अब हम इस पूरे एरिया से बी डी पी एरिया से ये वाली पार्ट को हटा लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाली पार्ट बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी.
equal to area of ARC माइनस में ये वाली एरिया, यानी इससे ए सी आर से हम माइनस कर देंगे ये दूसरे साइड वाली डी डी सी आर, ठीक है, डी आर सी, डी आर सी किया बी डी पी, बी डी पी से, अच्छा बी डी पी से करना होगा डी सी पी, डी सी पी, और इससे करना होगा डी सी आर, डी या तो डी आर सी, डी आर सी। हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों एरिया इक्वल है, तो हम ले सकते हैं कि इक्वल आर, इफ इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रेस्ट आर इक्वल, जो बचे हुए हैं वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ए सी डी, यहाँ पे बी डी पी से, बी डी पी से इसे माइनस करेंगे तो बी डी सी, बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, इससे माइनस करेंगे तो ए सी डी, ए सी डी। अब यहाँ पे ये दोनों एरिया हमने प्रूफ कर दिया कि ये सेम बेस पे हैं, ये दोनों ट्राइंगल ए सी डी और बी सी डी, तो और इनके एरिया बराबर है और दोनों सेम बेस पे भी हैं, तो ऐसे जो है वो सेम पैरेलल के बिटवीन होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया एंड ऑन द सेम बेस डी सी, डी सी, डी सी, देयरफॉर डी सी पैरेलल टू ए बी, तब क्या होगा, डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे हेंस डी सी, दूसरा क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इस तरीका से हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी और बी सी, ये ए बी सी डी और सी डी पी आर दोनों ट्रेपेजियम। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।